राजद सुप्रीमो लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद सर्कुलर आवास पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ देखी जा रही है। राजद के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मंत्री आलोक मेहता ने लालू यादव के पटना आगमन पर कहा कि वो हमेशा सक्रिय रहे हैं। उनके सामाजिक न्याय के पक्ष में जो मुहिम है किसी न किसी रूप में चलती रही है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि लंबे समय के बाद लालू यादव के पटना आने से कार्यकर्ताओं में खुशी है। हम सब रहे हैं और आज भी हैं। अभी कोई ट्विटर नहीं देखते हैं आप? बिल्कुल देखा है, तभी तो मैंने सवाल पूछा। वैसे भी सक्रिय हैं और आप हमेशा सक्रिय रहेंगे। जुल्म के खिलाफ और गलत कारस्तानियों के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, मैंने सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनकी जो मुहिम है, सामाजिक न्याय के पक्ष में जो उनकी मुहिम है, किसी न किसी रूप में हमेशा चलती रही है। 2024 की लड़ाई है सर, लालू यादव का आगमन कितना आपके लिए अहम फैक्टर है और महागठबंधन के लिए? 2024 देश के उन लोगों का है जो लोग समझते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान पर खतरा है, सामाजिक न्याय के सारे अवयव समाप्त किए जा रहे हैं, देश में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के आधार पर राजनीति करके मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है, देश पीछे जा रहा है, बेरोजगार सड़क पर हैं, बेरोजगारी दर आज तक इतनी नहीं हुई होगी उतनी देश की बेरोजगारी दर है, ये तमाम मसले ऐसे हैं जो आम जनता को उद्वेलित कर रहे हैं कि देश की सरकार को बदले। माननीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी जैसे जो नेता हैं इस पक्ष के हैं कि यदि गलत हो रहा है तो जनता उसका जवाब दे। करीब 9 महीने बाद इलाज कराकर लालू प्रसाद यादव आज पटना लौटे। सिंगापुर में लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। ऑपरेशन के बाद पहली बार लालू यादव पटना आए हैं। लालू प्रसाद के आने की खुशी में राजद कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आए। वहीं राबड़ी आवास पर भी अब मिलने वालों की लाइन लगी हुई है। भीड़ मत मिलने लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लालू यादव एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनके साथ मीसा भारती और तेजस्वी भी थे। तेज प्रताप भी रिसीव करने के लिए गए थे। लालू यादव को व्हीलचेयर से बाहर लाया गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन भी किया और सीधे गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। लगभग 9 महीने का वक्त बीत गया जब लालू यादव पटना पहुंचे हैं। लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और उसके बाद सिंगापुर में उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन देखिए जश्न किस तरह मना रहे हैं आरजेडी कार्यकर्ता लालू यादव की आने की खुशी में। आरजेडी कार्यकर्ता सुबह से ही एयरपोर्ट पर डटे रहे और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर पटना आने पर बधाई दी।